सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं शो में आज हम बात करेंगे सिनेमा जगत के नामी एक्टर की पहली फिल्म के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या आप जानते हैं शो। राज कपूर साहब एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। इन्होंने 10 साल की उम्र में 1935 में इंकलाब मूवी से शुरुआत की थी। 1947 में नीलकमल फिल्म में एज ए लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट मधुबाला थी। दिलीप कुमार साहब बहुत ही कमाल के कलाकार थे, इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। 1944 में इन्होंने जवारभाटा फिल्म से सिनेमा जगत में डेब्यू किया। धर्मेंद्र एक्टर प्रोड्यूसर, जिन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से सिनेमा जगत में डेब्यू किया। राजेश खन्ना, जिन्होंने 1966 में आखिरी खत फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इन्होंने 1969 से लेकर 1971 तक हिट फिल्में दी थी। सिनेमा जगत के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, जो आज भी हिट फिल्में दे रहे हैं, इन्होंने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से सिनेमा जगत में डेब्यू किया था और इसके बाद धर्मेंद्र के साथ शोले फिल्म से लोकप्रिय हो गए। ऋषि कपूर, जो अपने जमाने के चॉकलेटी बॉय के नाम से फेमस थे, उन्होंने 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म से सिनेमा जगत में डेब्यू किया। इस फिल्म का डायरेक्शन राज कपूर साहब ने किया था। सिनेमा जगत के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान के साथ ऋषि कपूर भी नजर आए थे। अजय देवगन, जिन्होंने 1991 में फूल और कांटे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, इस फिल्म के जरिए सिनेमा जगत में एक नया एक्शन देखा गया। सुनील शेट्टी साहब, जो आज भी यंगस्टर को टक्कर देते हैं, इन्होंने 1992 में बलवान फिल्म से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान, जिन्होंने 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। सैफ अली खान, जिन्होंने 1993 में परंपरा फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत की थी। गोविंदा, जिन्होंने 1986 में इल्जाम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। खिलाड़ियों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार ने 1987 में महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म आज से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अनिल कपूर साहब, जिन्होंने 1979 में हमारे तुम्हारे फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की। मिस्टर परफेक्शन यानी कि आमिर खान, जिन्होंने 1973 में यादव की बारात में एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया और उसके बाद 1984 में होली फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मल्टी टैलेंटेड स्टार ऋतिक रोशन ने 2000 में कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू किया। संजू बाबा यानी कि संजय दत्त, जिन्होंने 1981 में रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर रणबीर कपूर, जिन्होंने 2007 में सावरिया फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, इनके अपोजिट सोनम कपूर को देखा गया। सिनेमा जगत के एनर्जेटिक एक्टर यानी कि रणवीर सिंह, जिन्होंने 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कबीर सिंह यानी कि शाहिद कपूर, जिन्होंने 2003 में इश्क विश्क फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।